हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि माइक्रोमैक्स भारत 1 की रॉम जियो फोन के लिए पोर्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलेशन पार्ट सिखाने वाला हूँ। बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन पार्ट है इसका। जो मेरी पिछली वीडियो गरडा ओएस और नोकिया ओएस वाला इंस्टॉलेशन था, वैसा ही इंस्टॉलेशन इसी रॉम का भी है। तो मैंने फ़ोन चालू कर दिया है, ये स्विच ऑन हो रहा है और स्विच ऑन हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले अपना मॉडल दिखा देता हूँ। इसका मॉडल F220B है दोस्तों। तो अभी तक तो इसी मॉडल के लिए फाइल पोर्ट की है और कुछ दिनों में बाकी के मॉडल के लिए भी फाइल आ जाएगी। चलिए कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहले आपको ये रॉम इंस्टॉल करने के लिए रिकवरी की ज़रूरत होगी, कस्टम रिकवरी। उसके लिए आपको ये तीन फाइल्स हैं वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो डाउनलोड करने के बाद तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अपना डिवाइस प्लगइन कर लिया है और प्लगइन करने के बाद मैंने वो जो रॉम अपने मेमोरी कार्ड में डलवा दिए। आपको रॉम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको यहाँ पर अपने फ़ोन के मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये मैंने कॉपी कर ली अपनी मेमोरी कार्ड में। मेमोरी कार्ड आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आपको बिना मेमोरी कार्ड के करना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका भी सॉल्यूशन ला दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको चार फाइल्स मिल जाएगी, एक तो रॉम लिंक होगी और दूसरी रिकवरी और QPSD की। तो आपको क्या करना है, रूट करके फाइल होगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और फिर क्या करना है कि आपको QPSD इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो रूट की फाइल एक्सट्रैक्ट की वो लोकल ड्राइव सी में जाकर, प्रोग्राम फाइल्स में जाकर, कॉलकैम में एक फोल्डर दिखेगा वहाँ पर QPSD में जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैंने पहले से ही कर दी थी, फिर एक बार मैं कर देता हूँ। आप अगर डेस्कटॉप पर भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, कभी कभार सहारा सर्वर इधर आ जाता है, इसलिए ये फाइल लोकल ड्राइव सी में पेस्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर लोकल डिस्क सी में आपको जहाँ पर फाइल पेस्ट की थी वहाँ पर, रुकिए 2 मिनट। तो फिर क्या करना होगा, कॉपी करने के बाद लोकल ड्राइव सी खोलनी होगी आपको। सॉरी दोस्तों, तो लोकल डिस्क सी खोल लेनी है। उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाकर, वही कॉलकैम में जाकर QPSD में जाना है। उसके बाद आपको एक बिन करके फोल्डर मिल जाएगा, उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको QFIL करके एक फाइल होगा, उसको रन कर लेना है। तो ये रन करने के बाद आपको क्या करना होगा कि फ्लैट बिल्ड में, यहाँ पर फ्लैट बिल्ड है, यहाँ पर जाइए, ब्राउज में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल डिस्क सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, कॉलकैम में और QPSD में जाकर रूट फाइलें
आपको ओपन कर लेना है, प्रोग्रामर सिलेक्ट कर लेना है, रॉ प्रोग्राम और पैच भी सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ, मेरा F220B है। दूसरे मॉडल्स में ट्राई ना करें, नहीं तो आपका फ़ोन ब्रिक होने की संभावना है। मैंने फ़ोन अपने पीसी के साथ स्टार और हैश की दबाकर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए स्टार और हैश ये दोनों की दबाकर आपको फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। फ़ोन आपका ब्लिंक होता है, लेकिन मेरी यहाँ पर ऑन नहीं हुआ, इसलिए मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। तो ब्लिंक हो नहीं रहा था मेरा फोन। तो ये देखिए, और एक बार बैटरी डाल दी और इसमें स्टार और हैश की दबाकर ये देखिए ब्लिंक होता है। और यहाँ पर कॉल कैम का पोर्ट आ गया है देखिए। फिर आपको क्या नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद 15 से 20 सेकंड में ये आपका कस्टम रिकवरी जो होता है वो फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश होने के बाद आपका पीसी वाला काम खत्म होता है, आपको अपनी मोबाइल की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पर मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ मेरा फ़ोन। तो मेरा फ़ोन स्विच ऑन हो चुका है। तो पहले आपको मैंने एक फाइल अपनी मेमोरी कार्ड में कॉपी करने के लिए कहा था। मेमोरी कार्ड में मैंने कॉपी कर ली थी। यहाँ पर मैंने काय हुई उसका नाम डाला था। तो आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी एंड्रॉयड ओएस करके, वो आपको अपनी मेमोरी कार्ड में कॉपी कर लेनी। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, मेरा मॉडल F220B था। तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पावर की और स्टार की स्विच ऑफ करके, पावर की और स्टार की एक साथ दबा कर रखनी है। देखिए एक साथ दबा देने के बाद ये जियो का लोगो आ जाता है। ये लोगो आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको वाइप कर लेना होगा सब कुछ। तीन नंबर ऊपर ऑप्शन है वाइप एंड फैक्ट्री सेट, आप जाकर आपको लाल बटन दबा देना है। फिर चार नंबर पर एक ऑप्शन है क्लीन टू इंस्टॉल, वहाँ पर जाकर आपको एक बार रेड बटन दबा देना है उसके, और नीचे का बटन दबा कर यस करके लाल बटन दबा देना। तो ये सारा आपका फार्मवेयर जो है स्टॉक जियो रोम वो क्लीन हो जाएगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको बैक जाना पड़ेगा और इंस्टॉल जिप करके सेकंड नंबर पर ऑप्शन है वहाँ पर जाना पड़ेगा। और वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या, पहला ही ऑप्शन है देखो, चूज फ्रॉम, पहले ऑप्शन के बाद आपको जो मैंने फाइल दी है एंड्रॉयड ओएस वो आपको फाइंड मेमोरी कार्ड में पेस्ट की है वो फाइंड करनी है। मैंने काय ओएस करके
उसका नाम रखा है, लेकिन आपकी यहाँ पर होगा एंड्रॉयड OS करके। उस वहाँ पर रेड क्लिक दबाकर फिर यस पर आकर और एक बार रेड बटन दबा देना है। उसके बाद लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसकी इंस्टॉलेशन को। तो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। अगर आपने पहले ही गरडा OS या नोकिया वाली रोम इंस्टॉल की थी तो PCO वाला जो पार्ट था उसकी आपके लिए ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर वीडियो स्किप कर देने वाला हूँ। तो स्किप कर दिया दोस्तों, ये देखिए और ये पूरा का पूरा हो चुका है। हो जाने के बाद आपको रेड की दबा देनी है एक बार, और फिर आपको क्या करना होगा, नीचे आना होगा। पूरा का पूरा नीचे आने के बाद गो बैक का वहाँ पर रेड की दबा देनी है। फिर एक बार रूबूटो सिस्टम नाउ फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन होगा, वहाँ पर रेड की दबा कर नो पर ही रहने दीजिए और एक बार रेड की दबा दीजिए। ये देखिए जियो है, पहले तो जियो का लोगो आता ही है। तो मैं फ्लैश बंद कर देता हूँ मेरे फ़ोन का, और ये देखिए जियो के लोगो के बाद ऑटोमेटिकली माइक्रो मैक्स का जो लोगो आता है। तो ये रॉम मैंने पोर्ट ये माइक्रो मैक्स भारत बंद फोन का, और ये पूरा का पूरा एंड्रॉयड सिस्टम है। तो ये देखिए स्विच ऑन हो चुका है, और आपको क्या करना होगा कि स्टार की दबा कर रखनी है, उसके बाद लॉक खुल जाएगा। मेरी बैटरी बहुत कम है, और इंस्टॉल करने के बाद पहले 2 मिनट आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आए, और स्विच ऑन ऑफ करने के बाद भी पहले 2 मिनट आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है। अगर नहीं आता तो आपको सेटिंग में जाकर मोर में जाना है, और मोबाइल नेटवर्क्स में जाकर नीचे आकर डाटा रोमिंग करके एक फीचर होगा, उसको ऑन ऑफ कर देना है। हमेशा ऑन ही रखिए वो पीछे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपके फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा। तो आपको नेटवर्क आते तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ फंक्शंस। ये देखिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सेटिंग है, पूरा का पूरा एंड्रॉयड वर्जन है। आपको जो एप्लीकेशन चाहिए वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि मैंने पबजी लाइट यहाँ पर इंस्टॉल की थी, पर थोड़ा रैम का प्रॉब्लम है एक जियो फोन में। ये देखिए मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है, मैं फोकस कर रहा हूँ। ये देखिए LTE आ चुका था, मेरे फ़ोन में नेटवर्क अब आ चुका है। यहाँ पर मेरे फ़ोन में चार्ज बहुत कम है, इसलिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कभी भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि देखिए नोटिफिकेशन आ रही चार्ज की। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।